हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से हम डीसीएस के रिलेटेड हम एक नया पूरा एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डीसीएस शुरू से लेकर अंत तक हम सब कुछ पढ़ेंगे। डीसीएस क्या होता है, कैसे काम करता है, डीसीएस रिलेटेड क्या क्या ट्रांसमीटर्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं जिससे कि डीसीएस इसको कंट्रोल करता है, फील्ड पूरा कंट्रोलिंग कैसे है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मेरी मिलती रहें, अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल इस पूरे लेक्चर से आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी के सवाल का जवाब दे पाऊँ। तो डीसीएस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको पीएलसी के बारे में समझाऊँ कि एक्चुअली पीएलसी क्या है, बिकॉज डीसीएस पीएलसी का ही एक इवॉल्व फॉर्म है। इवॉल्व मतलब पीएलसी को ही हमने और बड़ा करके और मजबूत करके और उसको टेक्नोलॉजी के साथ उसको और इम्प्रूव करके जो बना है वो डीसीएस है। तो जो कमियां हमारे पीएलसी के अंदर है उसको हमने इम्प्रूव किया है और फिर उससे हमने डीसीएस बनाया है। तो पहले आइए हम समझते हैं कि पीएलसी क्या होता है और पीएलसी काम कैसे करता है, तो जिससे कि आपको बेसिक्स डीसीएस की भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि हमको पीएलसी के रहते हैं हमको डीसीएस की जरूरत क्यों पड़ेगी। पीएलसी मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी एक प्रोग्राम यूज़ किया है जिससे कि हम किसी चीज़ को एक लॉजिक के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। जो लॉजिक रहेगा वो आपस में अपने आप में एक प्रोग्राम है, एक रिटर्न प्रोग्राम रहता है जिससे कि हम कोई भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। पीएलसी को बहुत आसानी समझते हैं। पीएलसी के अंदर मेरे तीन पार्ट रहते हैं, जिसके अंदर अपना इनपुट मॉड्यूल रहेगा, आपका सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट रहता है और तीसरा आउटपुट मॉड्यूल रहता है। तो पीएलसी एक्चुअली में तीन पार्ट में आएगा। यह आएगा इनपुट कंट्रोल या इनपुट मॉड्यूल, दूसरा आएगा सीपीयू या इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा आता है आउटपुट मॉड्यूल। सीपीयू हमारा जो कनेक्टेड रहता है वो रहता है प्रोग्रामेबल डिवाइस, तो आपको अगर कंट्रोलिंग दिखाऊं तो ये इस तरीके से होगा। तो बेसिकली अब आपको समझाने की बताऊं तो हमारा बेसिकली इसके अंदर पीएलसी के अंदर अपने पास चार मेन कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली तीन हैं, जिसमें पहला आपका होता है इनपुट कंट्रोल या इनपुट मॉड्यूल होता है, बीच में आपका सीपीयू होता है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जहाँ पे कि आपका प्रोग्राम या लॉजिक जो भी चीज़ है वो उसके अंदर फीड होता है और इसी के थ्रू आपका मेन सारी रनिंग जो भी हमने कमांड दिया है वो इसके अंदर प्रोसेस होती है, इसी से रन होती है। और फिर जो भी इसका आउटपुट यहाँ से आता है वो हमारा आउटपुट कंट्रोल या आउटपुट डिवाइस के पास जाता है, जहाँ से कि हम उसको कंट्रोल करते हैं, जो भी एक्चुएट फाइनली होता है। अब ये सीपीयू जिस तरीके से लर्न करेगा उसको कोई एक प्रोग्राम या एक लॉजिक चाहिए जिसके बेसिस पे वो कोई भी कमांड को रन करेगा, तो वो कमांड के लिए हमको इसको प्रोग्राम करना पड़ता है, जिसको कि हम एक प्रोग्रामेबल डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा आप कह सकते हैं कंप्यूटर होगा, जिससे कि हम प्रोग्राम इसके अंदर फीड करेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम फीड कर दिया है। अब इसको बहुत ही आसानी से एक एग्जांपल के साथ समझेंगे।
पता है सिंपल सा, हमारे पास एक टास्क है कि हमको, हमारे पास एक पंप है, एक ऑन ऑफ स्विच है, और इस ऑन ऑफ स्विच के साथ हमें इस पंप को स्टार्ट करना है। तो जब भी हम इस स्विच को एक बार क्लिक करते हैं या दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एक कमांड जाएगा अपना इनपुट कंट्रोल के अंदर, जहाँ से हमने इनपुट दिया है। ये इनपुट जो है इसको सीपीयू तक ट्रांसफर करता है, यहाँ से सीपीयू तक ट्रांसफर करता है। बेसिकली जो ये जो कनेक्शंस रहते हैं ये इथरनेट के थ्रू होते हैं। ये कनेक्शंस आपके ईथरनेट्स के थ्रू है। तो हमने जो भी इनपुट में आया हमारे पास कि हमने कोई भी चीज बटन स्विच किया है, तो यही कंट्रोल हमारे पास इनपुट कंट्रोल के अंदर जाएगा, जो कि एज एन इनपुट सिग्नल काम करेगा। ये सिग्नल जो इसके अंदर जनरेट हो रहा है वो रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और हमारे सीपीयू के अंदर जाएगा, जो इसका प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर एक प्रोग्राम है जो कि हमने प्रोग्रामेबल डिवाइस है, हमने इसके अंदर फीड किया है। अब क्या होगा, ये जो हमने ऐसा सिग्नल दिया है वो इस सीपीयू के अंदर प्रोसेस होगा, इसके अंदर प्रोसेस होगा कि हमको ये पंप ऑन करना है। तो ये सीपीयू से अब वापस से एक कमांड जाएगा आउटपुट के लिए, या इसी को हम आउटपुट सिग्नल, ये सेंड करेगा आउटपुट कंट्रोल यूनिट को, जहां से एक सिग्नल आपके पंप में जाएगा जो कि इसको स्टार्ट करेगा। मीन्स यहां से एक कमांड जा रहा है जो कि आपके पंप को स्टार्ट करेगा। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे हुआ। हमने ऑन ऑफ स्विच में से बटन को स्विच ऑन किया, सिग्नल गया कि बटन स्विच ऑन करने का, हमने क्लिक किया है। यहाँ पे सिग्नल रिसीव होता है जो कि इथरनेट्स के थ्रू आपके सीपीयू में जा रहा है। ये आपके कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज आपका सीपीयू समझता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। यहाँ से फिर आपके आउटपुट कंट्रोल के अंदर आपका उसी लैंग्वेज में, जो कि आपका आउटपुट कंट्रोल सेंटर जो आपका समझेगा उसी लैंग्वेज में आपका ये यहाँ से सिग्नल वहाँ पे ट्रांसफर होता है, और फिर यहाँ से आपका कमांड एक जाता है जो कि आपके पंप तक जाएगा कि पंप आपका स्टार्ट हो जाए। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुआ, क्योंकि पंप जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस हो गया, ये आपका किसके थ्रू हो रहा है, पीएलसी के थ्रू। ऑन द कॉन्ट्रेरी भी क्या होता है, जैसे ही आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आपके पास वापस एक सिग्नल जाता है बैक आउटपुट कंट्रोल पास कि ये स्टार्ट हो गया है, सिर्फ एक सिग्नल कि हाँ ये स्टार्ट हो गया है। ये वापस आपके सीपीयू में आता है, यहाँ पे स्टोर रहता है कि हाँ ये स्टार्ट है, यहाँ पे वापस आएगा कि ये स्टार्ट है, और ये वापस यहाँ से यहाँ। तो ओवरऑल ये पूरा जितना भी वर्किंग होती है ये क्लोज लूप के अंदर वर्किंग है। तो पूरी की पूरी वर्किंग हमारी कैसी है, क्लोज लूप के अंदर ये पूरी वर्किंग है। अब वापस से हम क्या करते हैं, हमें वापस अब इस पंप को बंद करना है, हमने इस पंप को वापस से बंद करना है। तो हमने वापस से इसको पुश बटन करेंगे, पुश बटन जैसे ही दबाएंगे हमारा वापस से एक सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट होगा, जाएगा वापस से इनपुट कंट्रोल के अंदर, वहाँ से वापस सीपीयू के अंदर, ये लॉजिक वापस रन करेंगे, हमको पंप बंद करना है, जो वापस से आउटपुट के अंदर जाएगा, आउटपुट से वापस पंप के अंदर आएगा, और यहाँ से आपका पंप वापस से अब स्टॉप मोड में जाएगा। सो ये जो पूरा आपने देखा एक सिंपल फॉर्म में हमने एक पीएलसी समझाया कि पीएलसी एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं यूज हुआ है, हम इससे बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो पीएलसी हम बेसिकली ऐसे कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादातर बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस नहीं यूज़ करने हैं, जहाँ पे हमको कोई बहुत बड़े फंक्शंस नहीं करने हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स लिमिटेड हों, मीन्स हमारे पास कंट्रोलिंग डिवाइसेस जितने भी हों वो बहुत ही लिमिटेड होंगे। तीसरी चीज़,
हमारा वैसे तो पीएलसी सिस्टम बहुत सस्ता होता है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अगर हम इसको इन कंपेरिजन टू डीसीएस अगर हम इसकी रिडंडेंसी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पीएलसी सिस्टम हमारा रिडंडेंट नहीं है। रिडंडेंट मतलब क्या होता है कि एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार इसमें से कोई भी सिस्टम कहीं से भी ये पूरा का पूरा मान लेता है कि हमारा सीपीयू सिस्टम फेल होता है, हमने कहा ये सिस्टम बीच का ब्रेक हो गया, इस केस में हमारा पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, हमारे पूरा का पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा क्योंकि लूप पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। इसलिए इसको अगर हम डीसीएस के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं जो कि ज़्यादा रिडंडेंट है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ आईओज है, आईओज मतलब इनपुट आउटपुट, हमारा ये इनपुट सिस्टम हो गया, ये आउटपुट सिस्टम हो गया, तो ये हमारे बहुत लिमिटेड है। जैसा कि मैंने पहले बताया कॉस्ट इफेक्टिव ये है। हाँ, एक बड़ी चीज़ जो पीएलसी हमारा बहुत ही इफेक्टिव है किस केस में, कि हमारा ये इसका टाइम रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, मीन्स सिर्फ 1/10 ऑफ अ सेकेंड में आपका रिस्पॉन्स पूरा देता है कि हमने कहीं यहाँ से कोई चीज़ क्लिक किया है, उसको प्रोसेस करके पूरा का पूरा प्रोसेस में हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो सिर्फ 1/10 ऑफ अ सेकेंड ही लेता है। डीसीएस इससे थोड़े से स्लोअर है, जिनका टाइम लैग यू कैन से ऑलमोस्ट 30 मिली सेकेंड्स कह सकते हैं, 30 मिली सेकेंड्स के आसपास है। सो दिस इज़ द बेसिक कि हमारा पीएलसी काम कैसे करता है। अब पीएलसी एक चीज़ और मैं ख़त्म करने से पहले पीएलसी के बारे में एक छोटा सा चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पीएलसी एक्चुअली में आया कहाँ से। एक्चुअली पीएलसी हमारा रिले सिस्टम का एक इवॉल्व हुआ है। पीएलसी हमारा रिलेस का एक इवॉल्व फॉर्म है। रिले सिस्टम में क्या होता था कि हमारे पास एक प्रोसेसिंग यूनिट होता था जिसके साथ हमारे कई रिलेस साथ में जुड़े रहते थे। ये जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता था इसमें हम कोई भी प्रोग्राम कोई भी डेटा इसके अंदर हम फीड कर देते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे काम करेगा, साथ में रिलेस के साथ हम कोई भी डिवाइसेस इसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं। अभी क्या होता था, ये जो सिस्टम था पहले रिलेस यूज होते थे, बट जो इनका यू कैन से कि जो इनको जगह लेनी थी वो बहुत ज़्यादा थी, ये उतने इफेक्टिव नहीं थे, इनका पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। इसको हमने थोड़ा सा इवॉल्व किया और यहाँ से हमारा पीएलसी सिस्टम डेवलप होकर के आया है। पीएलसी सिस्टम के बारे में अगर आपको लगता है और कुछ जानना है तो हम आगे वैसे भी डिस्कस करते रहेंगे। पीएलसी और डीसीएस के बीच में क्या फ़र्क है, हम कहाँ पे पीएलसी यूज़ करेंगे कहाँ पे डीसीएस यूज़ करेंगे, और डीसीएस एक्चुअली में क्या है, कौन कौन से डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं, डीसीएस ऑपरेशंस कैसे हैं, क्या क्या चीज़ हम ध्यान रखते हैं, फील्ड में क्या क्या चीज़ें लगती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डीसीएस से, इन सब चीज़ों को लेकर के एक एक टॉपिक लेकर के हम डिस्कस करते रहेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डीसीएस रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे एक साथ मिल जाएगी। थैंक यू।